नैनीताल के भवाली में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी में द्वि प्रज्वलित कर सेमिनार का उद्घाटन किया। इस सेमिनार में राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सरकारी अधिवक्ता मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हर भारतीय का DNA ने स्वत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है। इसके उपयोग से मानव जीवन को सकारात्मक दिशा में बदला जा सकता है। उन्होंने हिंदी भाषा को न्यायिक व्यवस्था से अधिक प्रयोग किए जाने की बात कही है। न्यायिक सक्रियता के महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण और भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए समाधान के लिए अक्सर सक्रिय कदम उठाए हैं। इस न्यायिक सक्रियता से जांच और संतुलन की व्यवस्था मजबूत हुई है। And it is how do we use this artificial intelligence? आज चार रूप में इसके perspective को देखा है। पहले अटॉर्नी जनरल जी ने कहा कि problems of technology, उसके बाद में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु जी ने कहा dangers of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद में सूर्यकांत जी ने कहा हार्ट माइंड एंड नीड टू लुक एट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव जी ने कहा कि ये अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक ही विषय और पांच रूप। और मुझे बहुत खुशी हुई कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भट्ट जी ने कहा कि लाइफ इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड लर्निंग, लर्निंग इज कंटिन्यूम। मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूं कि मेरा धर्म सिख है, मतलब हर वक्त सीखते रहना। एंड बहुत अच्छा लगा जो भट्ट जी ने इतने सुंदर तरीके से कहा कि वी ऑल आर हियर टू लर्न। सबका बहुत सौभाग्य है कि नॉर्थ जोन की रीजनल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसमें जुडिशरी, जस्टिस और किस प्रकार से इसको डेवलप और स्ट्रेंथन किया जाए, स्पेशली लॉ और टेक्नोलॉजी के जरिए। मुझे बहुत खुशी है कि अगले दो दिन यहाँ पर भोवाली के अंदर में उजाला के अंदर, उजाला नाम ही देखिए कितना सुंदर है, उत्तराखंड का जो जुडिशरी एंड लीगल एकेडमी है, और इसके अंदर में जो चिंतन किए जाएंगे, इसके अंदर जो मंथन होगा उसके अंदर में कि किस प्रकार के हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को जुडिशरी के साथ मिलाएं। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सुंदर अवसर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक हमको अपना एक रूप दिखाया था जब कोविड हुआ था, उस वक्त में किस प्रकार से हमने ऑनलाइन और किस प्रकार से अपने पूरे जुडिशियल सिस्टम को एक नए नज़रिए से देखा था, उसने बहुत अच्छे रिजल्ट